खनन ठेकेदारों पर कार्रवाई। चांचौड़ा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के मामले में जिन ठेकेदारों ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में अनुबंध किए थे, उन अनुबंधों को कांग्रेस सरकार के अधिकारियों ने मानने से इनकार कर दिया है। मामला बीते दिनों बापचा लहरिया खनन का है, जहां पर SDM एवं कलेक्टर SP गुना द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई जिन लोगों पर की गई, उनका कहना है कि हमारा अनुबंध 2021 तक है, जो शासन के आला अधिकारी मानने से इनकार कर रहे हैं, मामला BJP कांग्रेस से जुड़े होने को बता रहे हैं। वहीं SDM चाचौड़ा का कहना है कि अनुबंध जो किया गया था वह भारत सरकार के द्वारा किया गया था, राज्य शासन का हमें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण इसको हम अवैध खनन मानते हैं। मीटर से ज्यादा आता है। हाँ गुप्ता जी, तो चौकी बीनागंज में भेजो अपने ऑपरेटर को, वहाँ से अपना पटवारी रहेगा, उसके साथ आए हो सीधा यहाँ। तो मैं ये भी नहीं पता तुम्हारी खदान कहाँ से कहाँ तक है, केवल आप ई रॉयल्टी काटने के लिए यहाँ से फोन कर देते हो, फिर ई रॉयल्टी आती है कहीं रस्ते में उनको दे देते हो आप, यही बात है ना। स्पॉट पे केवल आप वसूली करते हो, पैसा लेते हो, रॉयल्टी उसको रास्ते में कहीं दे देते हो। रॉयल्टी का मैसेज आता है उनके पास, यहाँ से फोन लगा दिया और ट्राली भराई, किसी के पास भी हमने पकड़ी, किसी के पास भी नहीं, सारों के पास होगा, तीनों पकड़े। ट्राला यहाँ से लेके जाना, ट्राला जब कल कलेक्टर महोदय और SP साहब द्वारा कुछ संवेदनशील मतदान केंद्रों का संयुक्त भ्रमण किया गया था, उन्हीं संयुक्त भ्रमण के दौरान कुछ वाहन बिना रॉयल्टी के रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे, उन ट्रैक्टरों को रोका गया और उन पर अवैध परिवहन की कार्रवाई की गई। इसी दौरान बापचा लहरिया खदान पर जाकर के जाँच की गई, तो वहाँ पर उनके द्वारा न तो खदान का कोई सीमांकन करवाया गया, बिना सीमांकन के उनके द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा था। अगर इस तरह की अवैध उत्खनन की जारी रहेगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी प्रशासन की लगातार होती रहेगी। नहीं सर, ये जो अनुबंध के संबंध में सर जो आप बता रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन को लेटर नहीं है सर? नहीं, वो इस तरह का एक लेटर उनने फोटोकॉपी पेश की है खदान के जो संचालक हैं उनके द्वारा, कि वहाँ मशीन से रेत उत्खनन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का लेटर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है वो, जो मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हुआ है, न सभी समस्त कलेक्टर्स को प्राप्त हुआ, डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप से उनको प्राप्त हुआ है। वो मध्य प्रदेश शासन पर जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम पे भी लागू नहीं होगा, तो मध्य प्रदेश शासन से इस तरह के कोई निर्देश कलेक्टर गुना को या हमें प्राप्त नहीं है। खदान पे किसने कार्रवाई की है? खदान पे कलेक्टर और SDM तहसीलदार, अपर कलेक्टर सभी लोग थे, पर मेरी वैध खदान है 2016-17 से लीज पर है, 2021 तक है, मई जनवरी या ऐसे ही 21 तक है, तो उस पर इन्होंने अवैध बताया है, जबकि मेरे पास रॉयल्टी है, प्रदूषण कार्ड का वो है, प्रदूषण भी है, सिया की परमिशन है मेरे पास, और जो लीज पे मिली है वो भी मेरे पास है, उसकी रजिस्ट्री है जिसमें मैडम का फोटो है, खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल का उसमें, और पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी अवैध बता रहे हैं कलेक्टर साहब और SP साहब दोनों, और मेरे मैंने लड़का रख रखा था एक, 300 रुपये रोज में मजदूर रख रखा था, उसको उन्होंने मारा कलेक्टर और SP के सामने, कलेक्टर या SP का गनमैन हो किसी का भी हो, उसने थप्पड़ मारा है उसको, वहाँ से उठाकर ले आया चौकी में, और वहाँ से अब वो रात में गायब है, रात से पता नहीं SP ले गया या कलेक्टर ले गया, ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आप इसकी किस्त बराबर देते थे? किस्त हम बराबर दे रहे हैं, अभी 31 मार्च तक मेरी बैद है किस्त, बड्डू नहीं हूँ। इसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? इसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और अवैध बता रहा है, और ये हमसे मांग भी करते हैं, SDM ने मांग की थी पैसों की, हमने नहीं दी है, वैध है इस वजह से। SDM ने पैसे मांगे? हाँ, SDM ने खुद ने पैसे मांगे थे। कितने? हम पर 2 लाख रुपए महीने मांगे थे, हम परमिशन, मशीनों की परमिशन लाए, मशीनों की परमिशन हमने SDM साहब को दे रखी है, खनिज विभाग में दे रखी है, खनिज अधिकारी को, तहसीलदार को दे रखी है चाचौड़ा को, लेकिन उसको माने नहीं कर रहे हो, ये बता रहे कि केंद्र सरकार की परमिशन है, तब कि इसमें केंद्र सरकार की परमिशन मिलती है, राज्य सरकार परमिशन नहीं देती है मशीनों का।